नमस्कार, जय जय सियाराम। जब हम भगवान का पूजन करते हैं अथवा कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, नवरात्रि इत्यादि में जब हम पूजन करते हैं, तब जो है हम कलश पूजन करते हैं। सबसे पहले हम शुचिर्भूत होते हैं, सब देवताओं का स्मरण करने के पश्चात भगवान गणपति का पूजन करते हैं। गणपति पूजन के तुरंत बाद ही हमें कलश पूजन करना चाहिए। कलश पूजन हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें कई देवताओं का निवास स्थान होता है। जैसे कलशस्य मुखे विष्णुः, कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणः स्मृतः, कुक्षौ तु सागराः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः, सामवेदो ह्यथर्वणः, अंगैश्च संहिता सर्वे, कलशं तु समाश्रिता। इस प्रकार से यह सारे देवी देवता जो हैं कलश के अंदर ही निवास करते हैं। कलशस्य मुखे विष्णुः, कलश के मुख में जो है भगवान विष्णु रहते हैं। कंठे रुद्र समाश्रितः, जहाँ हम धागा बांधते हैं वहाँ भगवान शिव का निवास होता है। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, कलश के मूल में अर्थात नीचे जो है ब्रह्मा का निवास होता है। कुक्षौ तु सागराः सर्वे, कलश के अंदर जो है कौन कौन से देवता रहते हैं? तो आया है कि सर्वे समुद्रा सरिता तीर्थानि जलदानदा, जितने समुद्र हैं, तीर्थ हैं, जितनी भी नदियां हैं, देव नदियां हैं, वह सब उसी में निवास करती हैं। चारों वेद उसी में निवास करते हैं। इसीलिए जब हम कलश का पूजन करते हैं तो यह सब संतुष्ट होकर के हमको सुख संपत्ति धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो अब यहाँ मुख्य बात यह होती है कि हम कलश कौन सी धातु का रखें, क्योंकि अगर आप शास्त्र निर्दिष्ट कार्य नहीं करेंगे तो आपको जो पुण्य प्राप्त होना होगा वह पुण्य भी प्राप्त नहीं होगा और दोष भी लगेगा। इसलिए शास्त्र निर्दिष्ट कार्य ही हमें करना चाहिए। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि सौवर्णम रजतम वापि, सुवर्ण, अगर आप धन वैभव से संपन्न हैं तो प्रयास यह करें कि एक पूजन के लिए हमेशा के लिए जो है स्वर्ण कलश बनवा के रखें। अगर आपके पास स्वर्ण की इतनी व्यवस्था नहीं है तो रजतम वापि, चांदी के कलश का आप प्रयोग करें। तत्पश्चात कहीं कहीं आया है कि कांसा और पीतल का भी हमें उपयोग करना चाहिए, वह भी पूजन के योग्य जो है श्रेष्ठ धातु मानी जाती हैं। चांदी के बाद जो है कांसा, कांसे के बाद जो है पीतल का आया है। तत्पश्चात ताम्रम मृणम अयजम तो वा, अगर आप पीतल की भी व्यवस्था ना कर पाएँ तो तांबे के कलश का प्रयोग करें। तांबा तो सहज में ही उपलब्ध हो जाता है, परंतु अगर आप तांबे से भी संतुष्ट नहीं हैं तो मृणम अयजम तो वा अर्थात मिट्टी के कलश का प्रयोग करें। कलश का प्रयोग जब भी करें तो कलश में एक पूर्ण पात्र अवश्य होना चाहिए, बिना पूर्ण पात्र के कलश को नहीं रखना चाहिए। अगर आप कलश से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां अपने मन के भावों को संप्रेषित करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।